आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है. आप में से कितने लोग आज यहां पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आज से पहले आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी ना किया हो? सब चाहते हैं. तो अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलेंगे ना मैं कुछ बोलूंगा, ना अपने मुंह से बोलेंगे ना माइंड में बोलेंगे, कोई थॉट्स नहीं. सिर्फ आपने मुझे देखना है, आपका ध्यान मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ. ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको, जब कुछ सेकंड्स के लिए चीज़ हो जाएगी. अभी एक बार ऑनेस्टली सिंसियरली जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको करने की कोशिश करो. जस्ट ट्राई इट. होगा क्या, बीच बीच में आपके माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे, आने ही आने हैं. जैसे एक थॉट आएगा आपका माइंड वहां चला जाएगा, यहां से हट जाएगा. जाने दो, उनको कंट्रोल नहीं करना, उनसे लड़ना नहीं है, उनको रोकना नहीं है. वहां गया, थोड़ी देर बाद एकदम से याद आएगा कि अरे यार मैं तो यहां पे देख रहा था, मैं तो देखने का काम कर रहा था, ये मैं कहां चला गया, सपनों की दुनिया में कुछ और ही सोचने लग गया. जैसे ही ये याद आएगा वापस से अपना ध्यान यहां पर ले आओ मेरी तरफ. 24 घंटे माइंड हमारे ऊपर हावी रहता है, थॉट्स कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं. अभी आप देखना, सिंपल सी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ सेकंड्स के लिए आपको रुकना है. अभी देखना कुछ लोगों की कैसी वॉट लगेगी. आई एम 100% श्योर बुरी हालत हो जाएगी, अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे. जबकि करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज, सिर्फ देखना है. लेट्स हैव पिन ड्रॉप साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस. पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ. बॉडी को कम से कम मूव करना है, हिलना नहीं है.
few minutes, sir. कौन था ये? शक्ल दिखाओ. एक बार खड़े होए, बैठ जाएगी. मैं कहा था ना कुछ नहीं बोलना है. वैसे बोलने का मन और भी बहुत लोगों का कर रहा था, उन्होंने उनके बिहाफ पे आपने बोल दिया तो औरों की दुआएं लग रही है आपको. सच सच बता रहा, कितने लोगों की हालत अगर ऐसे मैं करता रहता एक घंटे तक तो कितने लोग रो पड़ते या फिर गालियां निकालने लग जाते. अभी इन्होंने बड़े पोलाइटली कहा तो कहते अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कुछ सेकंड है, ये क्या करे हरा है, पागल हो गया क्या, ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग जाती. इसीलिए मैं अपने सेशंस के पैसे नहीं लेता. मेरे को कमेंट आते अबे बोलने के पैसे मिलते हैं तुझे, बोल मुँह खोल, सुनने आए हैं तुझे, देखने नहीं आए हैं. तो क्या हो रहा है, आपकी सारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है? माइंड है. अगर मैं माइंड की बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मोबाइल है. मोबाइल हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं है, मोबाइल तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर आप यूज करो तो आप कुछ भी कर सकते हो. लेकिन अगर वही इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर हावी हो जाए तो क्या होगा? बहुत बुरा है. आदमी बैठा रहेगा घंटों तक, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं क्या देखने बैठा था और क्या देख रहा हूं. होता है ऐसा? तो प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है कि ये जो माइंड है हमारा, ये हम पर हद से ज्यादा हावी हो गया. हमें रुकना नहीं आ रहा, हमको रुकना सीखना है. दो तरह के सॉल्यूशंस हैं मेरे पास में. एक है टेम्पररी सॉल्यूशंस. टेम्पररी क्या है? मैं कुछ भी बोलता रहूं, बोलता रहूंगा. आप सुनते रहोगे. माइंड में फीड होता रहेगा. उससे कुछ बदला क्या? आएंगे माइनर चेंजेस, आएंगे कुछ दिन के लिए, आएंगे कुछ महीनों के लिए, आएंगे फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ. परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद निकालने हैं. क्योंकि आपकी लाइफ मेरी लाइफ से बिल्कुल अलग है. मुझे क्या पता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है. आपके जो पेरेंट्स हैं मेरे पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है, आपकी वाइफ मेरी वाइफ से बिल्कुल अलग है. तो मुझे क्या पता कि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे. वो आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे ना, अपनी सिचुएशन को समझ करके. अपनी सिचुएशन को कब समझ पाओगे? जब रुक करके एक सिचुएशन को देख पाओगे. मोबाइल के ऊपर आपने एट अ टाइम 10 एप्लीकेशंस खोल ली, 20 एप्लीकेशंस खोल ली, 50 एप्लीकेशंस खोल ली, क्या होगा? हैंग हो जाएगा. देखो कितना सिंपल है समझना, है ना? हैंग हो जाएगा क्योंकि हमने एक साथ में 50 एप्लीकेशंस खोल ली. तो अब हम क्या करेंगे? रिमूव. तो तब होगा ना जब हैंग हटेगा. एक बार तो हैंग हो गया है, तो हैंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कंप्यूटर हैंग हो गया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली सिंपल. रीस्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एक एक करके जो एप्लीकेशंस हैं उनको कम करना पड़ेगा. या अगर स्पीड कम हो गई है तो हमको एप्लीकेशंस को कम करना पड़ेगा. हम देखेंगे कि अच्छा 20 खुली हुई है, एक एक करके हटाया, फिर वापस से ठीक चलने लग गया. ऐसे ही होता है. तो इमेजिन करो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें एट अ टाइम हजारों लाखों एप्लीकेशंस चल रही हैं. आपके माइंड में हजारों एप्लीकेशंस ओपन तो हो गई है, लेकिन उसको बंद कैसे करना है ये हमें नहीं आता. एक एक करके अपने माइंड को रीस्टार्ट कैसे करना है ये हमें नहीं आता. थोड़ी देर के लिए शट डाउन कैसे करना है माइंड को ये हमें नहीं आता. हमें क्या आता है कि एक एप्लीकेशन है जो बहुत तंग कर रही है. सपोजिंगली कोई ऐसी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी की डेथ हुई या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है, तो आप क्या करोगे? या फॉर एग्जांपल घर में लड़ाई हो गई, वाइफ के साथ में लड़ाई हो गई, तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली एक दूसरी एप्लीकेशन खोल दोगे. उस एप्लीकेशन को बंद कैसे करना है ये आपको नहीं आता. समझने की कोशिश करना.
अब दूसरी एप्लीकेशन से मेरा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने ध्यान को कहीं और लगाने की कोशिश करोगे। आपको ये तो पता नहीं है कि उस एप्लीकेशन को बंद कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कि माइंड को रिस्टार्ट कैसे करना है, तो ऑप्शन बचा क्या, एक दूसरी एप्लीकेशन खोल दो जिसमें मजा आए। एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपको तंग कर रही है उसे पीछा तो छोड़ा नहीं सकते, अब वो खुली हुई है, वो बंद नहीं हुई है, वो वापस आएगी, आप उससे थोड़ी देर के लिए भाग सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से कहीं बाहर जा सकते हो, लौट के आना तो पड़ेगा ना भाई, फिर क्या करोगे, फिर वो एप्लीकेशन वापस से खुल जाएगी। एक एप्लीकेशन चल रहा है, बंद नहीं हो रहा सर। क्या बताओ ना, स्कोर क्या हुआ है? कितने लोगों का स्कोर वाली एप्लीकेशन खुली हुई है? स्कोर क्या हुआ है, स्कोर क्या हुआ है, देखो देखो इंडिया में क्या हुआ, बैटिंग शुरू हो गई या नहीं हुई है? अच्छा बोली तो खुल गई, एग्जैक्टली। मतलब के एप्लीकेशन कहीं जाती नहीं है, पड़ी रहती है, जैसे ही आपको उनके साथ में कॉन्टैक्ट होता है वो वापस से खुल जाती है। कि अगर ब्रेकअप हो गया तो ये मत समझो कि आपका पीछा छूट गया आपकी गर्लफ्रेंड से, 5 साल बाद भी दोबारा दिखेगी तो सब याद आ जाएगा। बंद कर दे, कोई तरीका नहीं है, नो वे आउट। देखो हो क्या रहा है, प्रॉब्लम को समझना है, पकड़ना है, हो क्या रहा है, हमारा माइंड बार बार प्लेजर्स की तरफ भाग रहा है पेन से बचने के लिए, as simple as that. वो पेनफुल एप्लीकेशन किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, तो उसका हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं कि कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस जो हमको पता है कि कुछ सेकेंड्स के लिए हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए हैं, लेकिन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जो कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ देर के लिए हम भूल सकते हैं उन सब बातों को, फिर वापस से याद आ जाएगी, फिर वापस से लाइफ आ करके हम पे हावी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस ना करके हम भाग रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमें रुकना सीखना है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी थोड़ी रुक करके चीजों को देखना है। हाँ पिछले सेशन में बोलते आ रहे कि हमें ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, तो आप इस सेशन में क्यों बोल रहे हैं कि हमें रुकना है? कॉन्टेक्स्ट को समझो, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। हाँ आप सबको भी ये कंफ्यूजन है या थोड़ा किसी को है ये, और किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है? एब्सोल्युटली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंटली रुक जाओ, 24 घंटे में से 5 घंटे आपने पढ़ाई करी, आप स्टूडेंट हो, तो 5 घंटे 6 घंटे आपने पढ़ाई करी, उसके अलावा अपना स्पोर्ट्स के लिए चले गए, कुछ एक्टिविटीज और ये वो, यूट्यूब पे भी जा रहे हो, उल्टी सीधी वीडियोस भी देख रहे हो, सब कर रहे हो, और नहीं करोगे तो क्या करोगे, अभी शादी तो हुई नहीं आपकी, क्या करोगे? सीधी सी बात है ना, क्या करोगे, कुछ तो करोगे, माइंड को कहीं तो लगाओगे, ये सब कर रहे हो लेकिन बैलेंस बना रहे हो, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। भागते रहना बिना सोचे समझे बुरा है, क्योंकि वो फंसाएगा आपको जो अभी हो रहा है, और रुके ही रहना वो और भी बुरा है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, किसी भी एंड पे आकर के काम को नहीं छोड़ना है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर रुक भी सको और अपने 100% एफिशिएंसी के साथ में काम भी कर सको, मतलब आपकी काम करने की एफिशिएंसी अभी जो भी है उससे 1000 गुना बढ़ जाए। इमेजिन करो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, टेम्प फाइल्स होती हैं, सबको पता है, जो हम डिलीट करते हैं जा करके, या कंप्यूटर की बहुत बुरी हालत हो जाती है तो हम फॉर्मेट करवा देते हैं। इससे हमको क्या समझ आता है कि कोई भी कंप्यूटर में जितनी फ्री स्पेस होगी वो उतना ही अच्छे से काम कर पाएगा। इसी तरह से हमारा माइंड है कि अगर किसी तरह से आपको इन फाइल्स को हटाना आ जाए, इन एप्लीकेशंस को हटाना आ जाए, रीस्टार्ट करना आ जाए, ये बटन आपके हाथ में आ जाए, रिफ्रेश करना आ जाए,
इन 10 फाइल्स को उठा उठा करके हटाना आ जाए किसी भी तरह से, तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी. इट विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग, आपके माइंड की पावर्स बढ़ जाएगी. तो ये चीजें कैसे होंगी? बहुत ही आसान है. अगर मैं उन एप्लीकेशंस की बात करूं जो आपके मोबाइल को, मतलब कि आपके माइंड को हैंग करती चली जा रही है, तो हमें क्या सीखना है? दो चीजें सीखनी है यहां पे. एक रीस्टार्ट करना, कि रीस्टार्ट कैसे करें उसको, और दूसरा उन विंडोज को बंद कैसे किया जाए. यही दो चैलेंजेस हैं. अगर ये दोनों चीजें हमको समझ आ जाए तो क्या उसके बाद में कोई प्रॉब्लम रह जाती है हमारी लाइफ में? तो कैसे होगा? रीस्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं रीस्टार्ट की, उसके बाद में बात करेंगे उन विंडोज को बंद करने की. देखो रीस्टार्ट कितना सिंपल है. जब भी माइंड जरूरत से ज्यादा हावी होने लग जाए, आराम से बैठो, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर ले आओ. एब्सोल्यूटली सिंपल. ब्रेथ इज ऑलवेज देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट. ब्रेथ में कोई इमेजिनेशन नहीं है. आप चाहो भी तो इसकी किसी फॉर्म को आप इमेजिन नहीं कर सकते, चाहो भी तो इसकी साउंड को आप इमेजिन नहीं कर सकते. संदीप एक साउंड है, मोहित एक साउंड है. हो सकता है संदीप से आपको प्यार हो तो ये साउंड सुनते ही आपको मजा आएगा, मोहित से आपको नफरत है ये साउंड सुनते ही आपको गुस्सा आएगा. ब्रेथ, इसकी साउंड को सुनो, क्या होगा? ना मजा आएगा ना दुख होगा, न्यूट्रल है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है. द मोमेंट यू सी अ फॉर्म, जिससे भी आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है किसी भी तरह से, तो या तो आपको सुख होगा या दुख होगा. किसी भी ऐसी फॉर्म को आप देखोगे जिससे आपने अपने आप को नहीं जोड़ा हुआ है, तो ना आपको सुख होगा ना दुख होगा. एक सेंटर पॉइंट जो आप हो, इस सेंटर के साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिनको अभी अभी मैंने एप्लीकेशंस कहा. आप बहुत सारी चीजों से अटैच हुए पड़े हो, जाने या अनजाने में, जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में घूम रहे हो, पार्क में घूम रहे हो और घूमते घूमते आप गए वहां पे, आपने देखा कि एक छोटा सा एक पपी है वहां पे, और आपने उसको उठा लिया. अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब शुरू होगी? जब आप उस पर कब्जा कर लो. आपने कहा कि ये पपी मेरा है, अब मैं इसको अपने घर में रखूंगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा इसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, जबकि उस पपी ने मरना ही मरना है कभी ना कभी. जो आपने अपना रिलेशन जोड़ा उस पप्पी के साथ में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. जब तक आपको ये पता है कि वो जो छोटा सा पप्पी है वो मेरा नहीं है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, वो किस चीजों का बना है, ध्यान से देखो. आज तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आज थियोरेटिकल बातों की जरूरत नहीं है. किस चीज का बना है वो पप्पी? आपका बना है, आपके टुकड़े से बना है. किस चीज का बना है वो? साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो किस चीज का बना है? एनर्जी का बना है. इट इज सिंपल एनर्जी. एनर्जी किसकी? आपकी है क्या? आपका कब्जा है एनर्जी के ऊपर? आप कह सकते हो एनर्जी मेरी है. कहां आपकी है? आप एनर्जी के हो. हाँ, ये ठीक है, दैट मेक सेंस. तो हुआ क्या, वो जो एनर्जी का है, एनर्जी जो उसकी है, उस पर जाकर के आपने कब्जा कर लिया, उसके साथ में अपना एक रिलेशन जोड़ लिया और कहा कि अब मैं इसका ध्यान रखूंगा. द मोमेंट दैट हैपेंस, अब उस पप्पी का जो सुख दुख है वो आपका सुख दुख बन गया. ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जबकि उसके साथ जो होने वाला है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. उसको अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, उसने मरना होगा तो मरेगा, जीना होगा तो जिएगा, कोई आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल. जो उसके साथ होना होगा वो होगा, बट आपने जो उसके साथ में अपना रिलेशन जोड़ा, उसकी वजह से अब जैसे ही वो पपी खुश होगा, फॉर एग्जाम्पल अपनी पूंछ हिलाएगा और आपके पास में आएगा, आकर के आपका पैर चाटेगा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे. हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया. और जितना ये होगा, आप उससे उतना ही अटैच होते चले जाओगे, जुड़ते चले जा रहे हो, चिपकते चले जा रहे हो, चिपकते चिपकते चिपकते. कभी ना कभी तो अलग होना पड़ेगा ना. रियलिटी है, आंख खोल करके देखो इस दुनिया को कि क्या हो रहा है. जब तक हम नहीं देखेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. जहां अब वो बीमार पड़ा, उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने पूंछ हिलानी बंद करी, आपको आकर के चाटना बंद किया, रोना शुरू किया, साइड में बैठ करके आंसू टपक रहे हैं, जब तक वो पार्क में था तब तक दिक्कत नहीं थी.
कितने रोज मरते हैं, कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, तब तक दिक्कत नहीं थी. द मोमेंट दैट हैपन्स, अब आप फंस गए. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्ते कि आप यह समझ जाओ कि ये पपी मेरा नहीं है, मेरे को सिर्फ एक रोल मिला है इस पपी का ध्यान रखने का. इसको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना, पपी में हटा करके कुछ भी लगा देना, कोई भी रिलेशन जोड़ देना, लाइफ की बात हो रही है यहां पर. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पपी को घर में लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप यह समझो कि मैं इस पपी की नर्स हूं. किसी के जाने से कोई नर्स रोती है क्या? कि आई एम जस्ट अ केयर टेकर, आई एम जस्ट अ केयर टेकर. आप उसको प्यार करो, उसके साथ में रहो. अपने रोल को प्ले करना है, यह समझना है कि कोई मेरा नहीं है, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं फॉर अ टाइम बीइंग. वहां पर कोई दिक्कत नहीं है. ये सब चीजें कब समझ आएंगी? थियोरेटिकली तो समझ आ गई मेरी ये बातें. थियोरेटिकली किसी को समझने में दिक्कत हो रही है? और अटैचमेंट अगर आपका खत्म भी हुआ तो क्या प्यार खत्म हुआ? बल्कि आप प्यार ज्यादा अच्छे से कर पाओगे. अब अगर वो पपी बीमार हुआ और आप एक नर्स की तरह उसके साथ में डील कर रहे हो, आप ज्यादा ढंग से कर पाओगे? या अगर आप उससे अटैच हुए पड़े हो 5 साल से और वो थोड़ा सा भी बीमार हुआ, आप बौखला जाओगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, अरे ये क्या हो गया? पपी को आप बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पा रहे. किस वजह से? अपने डर की वजह से. अगर आप एक नर्स की तरह उसको डील कर रहे हो तो आप फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, उसको ठीक करवा दोगे. आप अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे अटैचमेंट की वजह से. और क्या होता है अटैचमेंट की वजह से? आप अटैच हो गए किसी के साथ में. एक है थियोरेटिकली अटैच होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. थियोरेटिकली मतलब दुनिया की नजर में कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है. एक रोल है जिसको हम प्ले कर रहे हैं. एक है माइंड में अटैच होना, दैट इज वेरी डेंजरस. आप क्या कर रहे हो? एक इंडिपेंडेंट इंसान के ऊपर जिसके पास में अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो. क्लैशेस होने ही हो रहे हैं, ये है क्लैशेस की जड़. आप अटैच हो गए और पूरी तरह से अटैच हो गए अपने माइंड के लेवल पे, तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे. अब अगर ये चीज मेरी है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे, ये मेरा है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे, दोनों अपने लिए कुछ चाहते हैं. देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे समझे. अब कोई किसी को कैसे समझ पाएगा? क्लैशेस चलते ही रहेंगे जब तक कि एक बंदा वहां पे आराम से खड़ा होकर के, डिटैच होकर के उस सिचुएशन को देखे ना, लाइफ को सामने वाले बंदे के नजरिए से देखे ना. वो कब हो पाएगा? जब हम उस अटैचमेंट को छोड़ेंगे. हम इस तरह से उस सिचुएशन को देखेंगे कि जैसे दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से एक भी नहीं हूं, मैं एक थर्ड पर्सन हूं जो यहां पर बैठ करके इन दोनों को देख रहा हूं. अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, अब आप सामने वाले की नजर से प्रॉब्लम को समझ सकते हो, अब आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो सकती है जिसकी कोई हद नहीं, अब प्यार की गुंजाइश है. नाउ देयर इज स्कोप फॉर लव. व्हाट इज लव? दैट इज अंडरस्टैंडिंग. इज दैट नॉट लव? इस दुनिया को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है जो मुझे भी हुई थी कि अगर हमें खुश होना है ना तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई चीज चाहिए, वो मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी. कोई इंसान अगर हमें मिल गया तो हमें खुशी मिल जाएगी. ये सब कॉजेज हो गए ना आपकी खुशी के, कॉजेज हो गए. मतलब हमेशा किसी ना किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड करोगे खुशी के लिए. आपको कोई चीज मिली, आपको लग रहा है कि हाँ इससे खुशी मिलेगी, बट कितने टाइम तक? ना तो वो चीज हमेशा के लिए रहने वाली है, ना उससे जो आपको खुशी मिल रही है वो हमेशा के लिए रहने वाली है. तो सब कुछ टेम्पररी है यहां पर. तो अंदर जाकर के एक कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज है एक ऐसी दुनिया एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल जो बहुत आसान है वहां तक पहुंचना. सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में बैठ करके आराम से देखना है और सुनना है कि हमारे आसपास में हो क्या रहा है. अभी इस वक्त आपके पास में कुछ है, कुछ है. मतलब आपको कुछ मिलना नहीं है, है. आपका ध्यान कहीं और है, यहां नहीं है. जैसे यहां आया फील कर लो, पता लग जाएगा अंदर ही है. एक सेकंड,
कोई देर नहीं लगेगी। जहां आपका ध्यान वहां गया, जहां आप उससे जुड़े, वो आपसे जुड़ा, खेल शुरू। और उसके बाद में जो चीज होगी उसको कहते हैं कॉजलेस हैप्पीनेस। चौबीस घंटे के लिए आप जुड़ गए उसके साथ, चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, नो वे आउट। चाह करके भी अपने माइंड को ज्यादा देर तक पास्ट में या फ्यूचर में नहीं रोक सकते। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद क्या होगा, लोग ये समझते हैं कि प्यार खत्म हो जाएगा। अरे ना भाई, प्यार बढ़ जाएगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, पूरी की पूरी ये जो दुनिया है ये भाग रही है किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे, किसी काम के पीछे, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो गई है कि उसमें से उनको खुशी मिलने वाली है, जबकि वहां पर खुशी नहीं है। तो होगा क्या, जैसे ही आप उस जगह पर जाकर के गड़ गए जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, विच इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड बियॉन्ड साइलेंस, दैट इज नॉट साइलेंस, बियॉन्ड साइलेंस। कैसे जाओगे, अभी आप वर्ड्स को सुन रहे हो, साइलेंस को सुनो। एक स्क्रीन पे पिक्चर चलती हुई देख रहे हो, मान लो ये स्क्रीन है, एक 3D फिल्म चल रही है, दिस इज लाइक अ 3D फिल्म। तो इस फिल्म में जो दिख रहा है उसको तो आप देख रहे हो, मैं दिखा इस फिल्म के अंदर, लोग दिखे, वो सब दिखा, लेकिन जिस स्क्रीन के ऊपर ये फिल्म चल रही है, मतलब कि आपके और मेरे बीच में जो स्पेस है उसको देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा। अभी आप मुझे देख रहे हो, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों को देखो, माइंड ब्लैंक हो गया। द मोमेंट यू लुक एट योर आईज, द मोमेंट यू लुक एट स्पेस, मुझे देखोगे माइंड चल रहा है। जैसे ही आपने स्पेस को देखा, मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है उसको देखो, है माइंड के पास कुछ करने के लिए, ब्लैंक। मुझे देखोगे तो बार बार थॉट्स आएगा, अच्छा है, अरे नहीं इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, अरे मजा आया, ये क्या बात कही, तरता तरता तरता, ये बोरिंग है। माइंड ऐसे ही भागता रहेगा। जहां आपने मुझे देखना बंद किया, मुझसे हटे, बीच में जो हमारे स्पेस है उस स्पेस को देखना शुरू किया, माइंड ब्लैंक। ये है तरीका रीस्टार्ट करने का, कि बीच बीच में कुछ देर के लिए जो माइंड को आदत पड़ी हुई है उससे अलग भी कुछ माइंड को दे दो करने के लिए। बीच की स्पेस को देखो, साउंड को बहुत सुना है, कभी बैठ करके साइलेंस को सुनो, दो आवाजों के बीच में जो साइलेंस होती है उसको सुनने की कोशिश करो। द मोमेंट यू डू दैट, माइंड विल बी ब्लैंक। जहां माइंड ने काम करना बंद किया, तो जो माइंड के बियॉन्ड है वो निकल करके आपके सामने आया, एक सेकेंड भी नहीं लगा, एंड दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। माइंड ने एक परत जबाई हुई है पूरे तरीके से, जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, वो परत हटी, वो सामने आया, तो क्या होगा, यू विल बी देयर इन अ स्टेट ऑफ कॉजलेस हैप्पीनेस। उसके बाद में आप इसलिए काम नहीं करोगे कि काम करने से जो चीज मिलेगी उससे कुछ खुशी मिलेगी, या काम करने से मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आप चाहे कुछ करो या ना करो उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बैठे रहो एक जगह पर आराम से 10 घंटे के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिल स्टेशन पे बैठे हुए हो या ट्रैफिक सिग्नल पे हो, बुरी हालत है, चारों तरफ शोर ही शोर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद में फिर आप काम करोगे क्यों, करोगे क्यों, पूछने हैं इस तरह के सवाल, पूछने हैं जो भी कुछ मैं बोलता हूं उस पर जा करके क्वेश्चन मार्क लगाना है, डाउट करना है मेरी हर एक बात को। वी नीड टू हैव साइंटिफिक माइंड्स, वो ही रियलाइज कर सकते हैं चीजों को, और वो ही जब रियलाइज कर लेंगे तो फियरलेसली आगे आकर के कुछ चीजों को बदल सकते हैं, नहीं तो कहीं कुछ नहीं बदलने वाला। वी नीड टू हैव साइंटिफिक माइंड, तो डाउट करो हर एक चीज को, देखो क्या हुआ कि उसके बाद में फिर आप करोगे क्यों। आप कहोगे कि क्या जरूरत है, पहाड़ पे जाकर के बैठ जाओ, लेकिन जब पहाड़ पे जाने में और शहर में रहने में कोई फर्क ही नहीं है तो पहाड़ पे क्यों जाना है। सोचो, अगर कोई कह रहा है कि मैं पहाड़ पे जाकर के बैठूंगा मुझे खुशी मिलेगी, इसका मतलब कि अभी वो दूसरे लेवल पे है। पहला लेवल क्या है, शोर,
इस पूरी दुनिया का शोर। दूसरा लेवल क्या है? साइलेंस। क्या है साइलेंस में? अरे कुछ नहीं है, साइलेंस के आगे बढ़ो। देखो जो साइलेंस में है वही साउंड में है, जो फॉर्म्स में है वही फॉर्मलेस में है, जो दिख रहा है उसमें है ना वही उसमें है जो नहीं दिख रहा है। जहां आप उसके साथ में जाकर के जुड़े, अब क्या फर्क पड़ेगा? Then you'll be absolutely fearless. Fearless of what? Fearless of everything. Everything. अब आपको ले जा करके कहीं भी बिठा दो, आपको ले जा करके ऑफिस में बिठा दिया जाए 12 घंटे के लिए, आपको ले जा करके घर में बिठा दिया जाए, आपको ले जा करके एक लड़ाई के मैदान में बिठा दिया जाए, आपको ले जा करके कहीं पर भी बिठा दिया जाए, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सब में वही है, तो किसको पकड़ोगे किसको छोड़ोगे? जो पकड़ने और छोड़ने का खेल खेल रहे हैं ना, अटके हुए हैं, गड़बड़ में है। मैं इसलिए सब चीजें क्लियर कर रहा हूं बिकॉज अब धीरे धीरे जो मेरी डायरेक्शन जा रही है, बहुत बेसिक लेवल से मेरे सेशन शुरू हुए थे, अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो डीप होते चले जा रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। जैसे जैसे वो डीप होते चले जाएंगे, लोग देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ गलत ट्रैक पर निकलेंगे, वो करना चाहेंगे जो मैं कर रहा हूं बिना ये समझे कि मैं कर क्या रहा हूं। कुछ भी नहीं छोड़ना। महाभारत जो है ना, ये जो कहानी है पूरी की पूरी, ये युद्ध ये जिस जगह पर हो रहा है, कुरुक्षेत्र, ये कहीं बाहर नहीं है, यही है। इसको छोड़ करके नहीं भागना है, इसको फेस करना है, इसमें रह करके बाहर निकलना है। जैसे कीचड़ है, कीचड़ में से कमल खिलता है ना, ऐसे बनना है उसमें रहते हुए। बात बीच में रह गई, मैं पूरी खत्म करता हूं इसको, बात को। एक है रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट सबको समझ आ गया कैसे करा जाता है? न्यूट्रल चीज को देखो, कोई भी न्यूट्रल चीज। न्यूट्रल चीज क्या है? पेड़ है आपके लिए, पेड़ से रिलेटेड कोई सुख दुख नहीं है माइंड में, अगर हो तो मत देखना। सपोजिंगली पेड़ पे लटक करके किसी ने फांसी ली हो और आपने देखा हो तो पेड़ को मत देखना, माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। आसमान को देखो अगर उससे रिलेटेड कुछ नहीं है तो, लेकिन हाँ अगर आप आसमान में तारों की तरफ देख रहे हो और अपने बचपन को याद कर रहे हो कि मैं छत पे सोता था और रात को तारे गिनता था, बड़ा मजा आ रहा है, तो आप बचपन में चले गए, आप प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ दिया आपने। तो आपने क्या किया माइंड को रीस्टार्ट करने के लिए? अब ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। डोंट ब्लाइंडली फॉलो मी, आंख बंद करके फॉलो नहीं करना कि उन्होंने ये कहा है तो यही देखना है, ये कहा है तो यही करना है, इसीलिए लोग फंसे पड़े हैं। क्वेश्चन करते चले जाओ, दुख क्यों होता है, सुख क्या है, ये स्टेट क्या है, ये बातें क्या है जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है तो कैसे है, अच्छा ये रास्ता है क्या, अगर मैं इस पर चलूंगा तो ये होगा, इसके क्या प्लस माइनस है, ये है। करते 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 आप एक दिन ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पर कुछ समझ आएगा। ये आ गया एक स्टेप, ये है रीस्टार्ट। अब बात करते हैं उन विंडोज को बंद कैसे किया जाए, बहुत शॉर्ट में, सिंपल तरीके से। एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, प्रॉब्लमेटिक एप्लीकेशंस हैं, हाँ फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको आ रही है, पता नहीं कितनी बार आ रही है, और ब्रेकअप के साथ में कई बार तो कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकअप होते हैं, कुछ होते हैं जो सिंपल ब्रेकअप होते हैं, कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अच्छा उसने मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड की वजह से छोड़ दिया तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना, कि अच्छा मैंने ही मिलवाया था और वो दोनों एक हो गए और मुझे ही साइड में कर दिया, वाह बेटा वाह। तो सिचुएशन जितनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी आपका दर्द उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब इन विंडोज को बंद कैसे किया जाए? जब भी ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, उसको देखते रहो, जो भी माइंड में इमेजिनेशन चल रही है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, इनसे लड़ना नहीं है, बैठ करके आराम से बड़े ठंडे दिमाग से अपने माइंड में देखना है कि कहाँ जा रहा है, जाने दो, एक फिल्म की तरह। फिल्म देखने में हम सबको मजा आता है, फिल्म देखना हम सबको आता है, कोई है जिसको फिल्म देखना नहीं आता? दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म देखनी है, अपने माइंड को देखो, बड़ा मजा आएगा। डिटैच होकर के अपने माइंड को देखो,
अपनी कहानी को देखो जो माइंड में कहानी चल रही है, आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है. यू विल इमीडिएटली कम ऑन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट और आपकी इंटेलिजेंस बीच में आ जाएगी कि बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ता हूं लाइफ में. कुछ भी आए, कुछ भी ना आए, एक बात पक्की है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे. और अगर आपने ये नहीं किया, बैठ करके उसको नहीं देखा, तो जिंदगी भर ये जो चीज है ना, ये आपके अंदर पनपती रहेगी और ये चीजें और जगह पर भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी. कि अगर एक दर्द आपके अंदर पड़ा हुआ है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो चीजें वो कहीं और निकलेंगी. और अगर आपने एक बार पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ देख लिया उसको कि अच्छा ये है, आप कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे 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 और गहराई में जाओगे, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में, और चीजें और ढंग से समझ आती चली जाएंगी. आपको समझ आएगा जैसे जैसे आप अंदर जाओगे और अपने आप से सवाल पूछोगे कि दुख हो किसको रहा है, हाँ किसको हो रहा है दुख. तो आप नोट करोगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर, अब थोड़ा सा टेक्निकल है, डू यू वॉन्ट मी टू गो इन इट, हाँ हाँ ओके. देखो क्या है, अब ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, इसको आपको ऑब्जर्व करना होगा. और जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपके किसी काम का नहीं है अनलेस एंड अंटिल आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व ना कर लो, जब तक ये एक्सपीरियंस जो मेरा है ये आपका ना बन जाए. क्या हो रहा है, आपको ये लग रहा है आपके पास में एक माइंड है ना, ना ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है. आपके अलग अलग रोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग माइंड काम कर रहे हैं और आप एक माइंड से निकल करके दूसरे माइंड में जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरफ से किसी के पिता हो, दूसरी तरफ से किसी के बेटे हो, तीसरी तरफ से किसी के पति हो, हस्बैंड, ये तीन अलग अलग रोल्स हैं. क्या लगता है इन तीनों का एक माइंड है या तीनों का माइंड अलग अलग है? ध्यान से ऑब्जर्व करना लाइफ को, आपको समझ आ जाएगा अभी मैं क्या कह रहा हूं. और आप ट्रांसमाइग्रेट करते चले जा रहे हो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सेकेंड्स में हो रहा है ये काम. और ये पैदा कब होता है और मरता कब है? एक बाप कब पैदा होता है? जैसे ही आपने बच्चे को देखा तब एक बाप पैदा हुआ और बाप के साथ ही एक पूरा का पूरा उस बाप का माइंड पैदा हो गया. जिस वक्त आप बाप होते हो, आपकी फीलिंग्स अपनी बेटी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी यादें, आपका फ्यूचर का प्लान, आपका अटैचमेंट, सिंपल वे में अगर बोला जाए इन सबको, थॉट्स, यू एज अ फादर के थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं यू एज अ सन के थॉट्स से, बिल्कुल अलग. आप अपनी बेटी को देखते हो, आपके अंदर अलग तरह के थॉट्स आते हैं, आपका एक अलग माइंड एक्टिवेट हो गया. व्हाट इज माइंड? दैट इज जस्ट अ थॉट. एक अलग थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो गई है, एक अलग विंडो खुल गई है पूरी की पूरी, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ विंडो जो एक पति की विंडो है. जैसे ही, और पति पैदा कब होता है? जैसे ही आपने अपनी वाइफ के बारे में सोचा या अपनी वाइफ को देखा या उसकी आवाज को सुना तो पति पैदा हो जाता है. एक बाप की फीलिंग्स अपनी बेटी को लेकर के और एक पति की फीलिंग्स अपनी पत्नी को लेकर के, क्या सेम होती है, अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग. दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिलता है. आप नोट करोगे दोनों अलग अलग इंसान हैं. आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. कभी नोट किया है, जब आप अपने बच्चों के साथ में खेल रहे होते हो तो आप कुछ और होते हो, कोई और होता है, आप नहीं होते उस समय, आप कुछ और बन गए होते हो. और जब आप अपने फादर के साथ में बैठे होते हो, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे होते हो, तो कोई और इंसान होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, उसकी बातें कुछ और होती हैं, उसके थॉट्स कुछ और होते हैं. ये एक अलग अकाउंट है, वो एक अलग अकाउंट है. अब मजे की बात क्या है, इसी तरह से अब इसको उस बॉयफ्रेंड वाले एग्जाम्पल से रिलेट करो जिसकी मैं बात कर रहा था, कि आपका ब्रेकअप हुआ, मतलब क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकअप हुआ वो कब तक एग्जिस्ट कर रहा था एक बॉयफ्रेंड, जब तक कि अफेयर था, तब तक वो बॉयफ्रेंड था, जब अफेयर खत्म तो बॉयफ्रेंड खत्म,
सोचो कितना सिंपल है. जब इस तरीके से आप चलते जाओगे, आपको चीजें समझ आती जाएंगी, पकड़ में आती जाएगी, तो आप एक सेकंड में पकड़ लोगे कि अच्छा जो दुखी हो रहा है वो तो बॉयफ्रेंड है. कितना आसान है. और देखो कितना मजेदार है, वो बॉयफ्रेंड जो मर चुका है, मर गया ना, कहाँ है बॉयफ्रेंड दिखाओ. बॉयफ्रेंड सिर्फ तब तक था जब तक कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी. अब वो किसी और की गर्लफ्रेंड है, तो उस गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड कोई और है, आप नहीं हो. अब एक नया पैदा हो गया, वो है एक्स बॉयफ्रेंड, जिसके थॉट्स, जिसकी फीलिंग्स उससे बिल्कुल अलग है. जो बॉयफ्रेंड था वो एक अलग इंसान है, कोई और पैदा हो चुका है. ध्यान से पकड़ो क्या हो रहा है. तो अब आपको क्या होगा, जब आप बैठ करके उसको देखोगे, इन सारी बातों को समझोगे, आपको समझ आएगी, आप कहोगे हाँ यार चलो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया कि बॉयफ्रेंड मर चुका है, तो जो मर गया उसके लिए क्यों रोना है, मैं किस लिए दुखी हो रहा हूं. अब देखता हूं मेरे और जिंदा कौन से हैं. अच्छा एक बेटा जिंदा है, और एंड में जब इन सारी आइडेंटिफिकेशंस को आप छोड़ देते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि अगर ये सब भी खत्म हो जाता है तो इन सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. यू एज अ फादर मरता है, यू एज अ सन मर सकता है, यू एज अ बॉयफ्रेंड मर सकता है, यू एज अ हस्बैंड मर सकता है, यू एज एन एम्प्लॉई मर सकता है. जैसे आपने उस कंपनी को छोड़ दिया, तो यू एज एन एम्प्लॉई ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज डाइड, ही डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. अब कोई और एम्प्लॉई पैदा हो गया है. यू एज एन एंटरप्रेन्योर मर सकता है, सब कुछ मर सकता है. लेकिन इस सब में आप देखोगे, इस पूरे के पूरे जाल में आप देखोगे, बीच में जो खड़ा हुआ है वो नहीं मर रहा. तो अब क्या डर है सोचो. इस बॉयफ्रेंड ने आपको पैदा किया था या आपने इस बॉयफ्रेंड को पैदा किया था. आपने पैदा किया था तो दोबारा पैदा कर लो. या नहीं करना मत करो. यू हैव अ चॉइस. आप कहो कि नहीं मुझे अभी बॉयफ्रेंड पैदा नहीं करना, मेरी फैमिली की जो कंडीशंस है वो अभी अलाउ नहीं कर रही. भैया इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, जेब में पैसा नहीं है, तो अभी मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट पैदा कर लेता हूं. ये मेरा टाइम है पढ़ने का, तो मैं पढ़ूंगा. यू हैव द पावर टू चूज कि इन रोल्स में से आपको कौन सा रोल चाहिए, कौन सा रोल चाहिए. एंड में रोल कौन सा रह जाएगा मैं बताता हूं. सब कुछ मिटने के बाद भी आप नोट करोगे, और जैसे जैसे आपको चीजें गहराई तक समझ आती चली जाएंगी, आप फियरलेस होते चले जाओगे. आप कहोगे कोई भी आए कोई भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. एंड में जाते जाते सिर्फ एक थॉट रह जाएगा, वो है कि आई एम दिस बॉडी. इस बॉडी की वजह से आप सबके साथ में जुड़े हुए हो ना. आज आपको ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बैठ करके 10 साल लगा करके कुछ वो करने की जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन कर रहे हो और फिर प्रैक्टिकली अपने अंदर जा करके देख रहे हो कि हाँ ये बॉडी गायब हो रही है, ये हो रही है, वो रही है. क्या जरूरत है. आप समझ गए, मतलब आज क्या आप में से कोई ऐसा करता है कि अपने रसोई में 2 पत्थर रखे हो और उसको घिसे जा रहे हो पागलों की तरह आग आग पैदा करने के लिए. हाँ घिस रहे हो, आग आए ताकि मैं खाना बनाऊं. अरे गैस ऑन करो, आ गया खाना बनाओ. इसी तरह से इस बॉडी के मिथ को तोड़ने के लिए यू नीड अ साइंटिफिक माइंड. रिसर्च करो कि इस बॉडी में यू नाम की चीज कहां पर है. ये बॉडी हर सेकंड में करोड़ों बार बन रही है और मिट रही है. साइंटिफिकली इस बात को आप जितना अच्छे से समझते चले जाओगे, तो आपका यह बिलीव भी टूट जाएगा कि आई एम दिस बॉडी, और इसी बॉडी से बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. तो जब मैं बॉडी ही नहीं हूं तो क्या हूं. इसको बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस. इसी को ईगो बोलते हैं. ईगो का मतलब यह नहीं है कि कोई बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं. कोई बोलता है ना मैं बहुत ही गया गुजरा आदमी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं. अरे वो उससे भी ज्यादा ईगोइस्टिक है. मैं छोटा हूं ये भी ईगो है, मैं बड़ा हूं ये भी ईगो है, मैं हूं
हो ही होता है।